डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज़ भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लेड कास्ट में आपको मोहित रहीना परदेसी परसी डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सैरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाला समय में ये YouTube पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल आपको आठ आप एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खोपिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कर्ण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपने यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लेट स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी एटी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाला समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्करण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर लालच निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाई लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश शाह जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मास का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द फसर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार ज़रूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो यही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़के को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाई लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसे लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी एटी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज़ जो है है वो एक बुक पर निर्भर या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रैना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास, बहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पन्सर की भूमिका में प्रति उदासीता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगे कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोर देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो आप अभी जाइए डिजनी प्लेट स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लेड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेस डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ईसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे, सैरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि सानी स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रमाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेशा जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही वह है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्ले स्टार वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास, ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्ट पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर प्रलैंसर का अन्य निष्क्रण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शायन स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदासीता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही वह है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लेट स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसे लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडा,स, ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्मावताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से, से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपने यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लेटार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस सीरीज पसंद आएगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसकी लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं द फ्रीलांसर का अन्य निष्क्रण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से, से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगे कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोर देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाई लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो ये डिजनी प्लेटार पे वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लेड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सैरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाला समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खोफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कर्ण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपिसा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदासीता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लेटार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी एटी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज़ जो है है वो एक बुक पर निर्भर या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाला समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लालच निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाई लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपिसा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़के को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी एटी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज़ जो है है वो एक बुक पर निर्भर या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडा,स, ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्फेंसर की भूमिका में प्रति उदासीता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही वह है कि क्या सर जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी पे स्टार वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा यह आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टर पर दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी एटी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज़ जो है है वो एक बुक पर निर्भर या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्री के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि सानी स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रमाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपने यहाँ पर का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्प देंसर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्ले स्टार वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी एटी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसकी लीड कास्ट में आपको मोहित रैना काश्मीर परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टर पे जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्करण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शायन स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदासीता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगे कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार ज़रूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोर देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जी डिजनी प्लेप्टार पे वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसे लगी थी जनी प्लस सॉफ्टवेयर पर दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज़ जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज़ भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रैना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास बृहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगई सैरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से, से शेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्करण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपने यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार ज़रूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्ले स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं द फ्रीलांसर का अन्य निष्क्रण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजन्यू प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या सर जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लस टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसे लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास, ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कर्ण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्मावताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपिसा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदासीता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लेटार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टर पर दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काशमीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लालच निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोर देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी स्टार पे वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सैरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्फेंसर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगे कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार ज़रूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोर देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जाइए डिजनी प्लेट स्टार पे वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीज़न देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लेड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह गए सैरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं द फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रमाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपने यहाँ पर पीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि सीरीज में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही वह है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाई लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्ले स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका भी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लेड कास्ट में आपको मोहित रैना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टर पे जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्क्रण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शायन स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही वह है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लेट स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसे लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टर पर दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडा,स, ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे शहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कर्ण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि सानी स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से, से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रमाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपने यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी पे पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी प्लस सॉफ्टवेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी एटी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज़ जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लेड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टर पे जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्क्रण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शायन स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपनी बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगे कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही वह है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी स्टार पे वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीजन आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसे लगी थी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडा,स, ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्करण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से, से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रमाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपने यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही वह है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शो देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी पे पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस ऑफ्टर पर दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसे ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाला समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं द फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं हो को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदास है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगे कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोर देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाई लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो ये डिजनी स्टार पे वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसकी लेड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगय सैरी सलमा जोहान कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाला समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड हैं वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खोफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीक़ों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्मावताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्पर की भूमिका में प्रति उदासीता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज़ आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजन्यू प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो यही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोर देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लेटार पे वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको सीरीज़ पसंद आएगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीज़न देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारे कमाल की और शानदार सीरीज़ आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से साढ़े तीन दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है वो एक बुक पर निर्भर है या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफ़ी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा अ स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके लीड कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडास ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे, शरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पे रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊंगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सीरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्कृ नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लालच निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वह आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रमाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेशा जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपिशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द देंसर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज़ कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार ज़रूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर भी जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि क्या से जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर यह सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रैना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसके जो बाकी लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्लस टार वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज को निहारी मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएंगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे जरूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे दोस्तों साल में बहुत सारी कमाल की और शानदार सीरीज आती है और ऐसी ही कमाल की सीरीज़ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये अवेलेबल है साथ ही में इसकी क्या कहानी है इन सब के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे तो हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए आपको ये अच्छा लग सकता है इस सीरीज का दोस्तों नाम है द फ्रीलांसर या फिर आप इसे एक मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है वो कहीं कही ना कहीं मूवीज़ के अंदर ऐसा बहुत बार होता है इसकी रेटिंग काफ़ी शानदार निकल के आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से साढ़े तीन शर्ट दिए हुए हैं जो कि वहाँ से भी इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है जो गूगल यूजर है वहां पर भी 80 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है दरअसल ये सीरीज जो है है वो एक बुक पर निर्भर या फिर एक मूवी कह है सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इस बुक पर काफी सारी फिल्में बनी हुई है और ये सीरीज भी इसी बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ टिकट टू सरिया सॉरी सीरा स्टोरी अबाउट द आई एस आई एस इन तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कहीं पर भी बोर आपको नहीं कराएंगी कहानी भी काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर जो भी किरदार है सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसके कास्ट में आपको मोहित रहीना काश्मीरा परदेसी सराजान डेज मंजरी फैडेंडा,स, ब्रहना खान अनुपम खेर ऐसा राजा नवनीत मलिक सुशांत सिंह सनगे सहरी सलमा जोहन कोकरण बालाजी गौरी एडवर्ड ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलता है और सभी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया हुआ है अगर हम कहें तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की सीरीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया है चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं कि इसमें आखिरकार आपको स्टोरी क्या देखने को मिलती है अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टर पर जाके जहाँ पर ये दोस्तों हिंदी में उपलब्ध है और आने वाले समय में ये यूट्यूब पर रिलीज़ हुई तो मैं आपको बताऊँगा इसके टोटल आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे पहले चार एपिसोड काफ़ी समय पहले आए थे और बाकी के जो चार एपिसोड है वो हाल ही में रिलीज़ किए गए हैं तो फ्रीलांसर के पास कहने के लिए कुछ नया तो नहीं है लेकिन हाँ ये सीरीज थ्रिल से भरी हुई है ये खुफिया एजेंट के निशान का अनुसरण करता है जो एक युवा मुस्लिम दुल्हन को अचानक कट्टरपंथी परिवार से बचाता है जब ये भगवान के साथ उसी मायावी कनेक्टिविटी की खोज में भारत से सेरिया जाता है तो जिस तक हम में से कई लोग विभिन्न तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म के अनुभवी में खोजते हैं दर फ्रीलांसर का अन्य निष्क्रण नाटकों से अलग करने वाली बात इसकी व्याकुलता की कमी हो सकती है ओ टी प्लेटफॉर्म पर लाल निर्माताओं को जो कि शानिक स्वतंत्र प्रदान करता है वे आवश्यक रूप से जमाए लेने वाले पैदा करते हैं फ्रीलांसर अपने बात पर कायम है प्रामाणिक स्थानों से प्रेरित है और इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखते हैं बेशक विस्तृत कथानक में बहुत ही कुछ ऐसा होता है जो परिचित है दो कारण है कि कथन शायद भी कभी अपने पकड़ खोता है सबसे पहले ये लेखन में रहस्य की प्रकृति है नीरज पांडे रितेश जो बकवास को अस्वीकार करते हैं और दूसरी बात मोहित रैना ने अपनी यहाँ पर मांसपीशा का एक दुर्लभ मिश्रण लाते हैं और अविनाश काथम उर्फ द उर्फर की भूमिका में प्रति उदासता है रैना ने अपने भाड़े के सैनिक के हिस्से में एक दिल लगा दिया है और इस सीरीज के अंदर जो स्टोरी है वो आपको दोस्तों स्लो या फास्ट देखने को मिलेंगी कुछ जगह पर ये सीरीज कुछ जगह पर फास्ट होती है कुछ जगह पर स्लो होती है पर ओवरऑल ये सीरीज आप देखने जाएंगे तो हाँ ये आप, आपको बोर नहीं कराती है इसके इंटरेस्टिंग रिव्यू आए थे सभी ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस सीरीज़ में वाकई दम है अगर आप एक बेहतरीन सीरीज़ देखने की तलाश कर रहे हैं लगता है कि सीरीज़ आपके लिए ही बनाई गई है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कमाल की सीरीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आपको इसे एक बार देखना चाहिए कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो आप एक ही बार जरूर देखिए दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लगेंगी आप इसे अभी हिंदी भाषा में देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में उपलब्ध है इसकी जो मेन स्टोरी है वो वही है कि कैसे जो हीरो है वो एक लड़की को बचाता है और उसी पर ये सीरीज़ जो चलती रहती है इसका प्लॉट दोस्तों आपको कहीं पर भी इतना बोर नहीं कराता है जो मोहित रहना है इनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार लगती है इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके जो दूसरी मूवीज़ है उनके मुकाबले इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर आपको जो है कमाल की शोट देखने को मिलती है साथ ही में यहाँ पर इसकी जो बाइक लैंग्वेज की डबिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है तो अभी जो है डिजनी प्ले स्टार पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की सीरीज़ को निहारिए मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी हो सकता है कि इस पर एक और मूवी बनाई जाए मूवी दोस्तों बन सकती है वो भी बहुत ही बढ़िया इसका अभी एक सीज़न आया है हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका दूसरा सीजन देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लगेंगी और आप इसे ज़रूर देखेंगे हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसे देख चुके हैं तो आप मुझे बताएगा ये आपको कैसी लगी थी